उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के अशोक फार्म गुरुद्वारा के समीप गन्ना तौल सेंटर पर तौल ना होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि सितारगंज मिल शुरू होने पर किसानों को खुशी हुई। अभी किसानों का गन्ना तैयार हुआ, मगर खटीमा क्षेत्र के अशोक फार्म सेंटर समय से तौल ना होने पर किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट समय पर ना मिलने के कारण उनका गन्ना ट्रॉलियों में सूख रहा है। परेशानी ये हो रही है कि एक तो तौल नहीं हो रहा है, फैक्ट्री चलते ही बंद हो गई। इतने दिनों से फैक्ट्री रिपेयरिंग हो रही थी, अब जो है एंड टाइम में फैक्ट्री बंद हो गई है और काश्तकारों का गन्ना जो है सूख रहा है खेतों में। यहाँ खेतों में लाने खेतों में अलग सूख रहा है, यहाँ सेंटर पर ला के अलग सूख रहा है। और ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट को कहने फ़ोन करने पर पता लग रहा है गाड़ी नहीं है, ट्रांसपोर्ट पर एक ही गाड़ी आई हुई है और सुबह से काश्तकार परेशान है। मिल में अचानक तकनीकी खराबी, टरबाइन फूक जाने के कारण तौल कार्य जो है 21 तारीख में करा था ना, 21 को तौल करने के बाद टरबाइन फूक गई थी। टरबाइन रात दुरुस्त हुई है और आज मीटिंग वीटिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे तौल करने के लिए आए। खराब हो गई गाड़ियाँ, तो लेबर और गाड़ी चली गई जब मिल बंद थी 2-3 दिन के लिए। मिल नहीं होगी तो गाड़ी क्या करेगी, तो लेबर भी नहीं और गाड़ियाँ भी चली जाती हैं जब कोई तौल ही नहीं है। तो आज तौल शुरू हुई है तो आज तौल हो रही है। अब गाड़ी एक आई है, लेबर भी आ गई है, अब आगे की क्या है प्रक्रिया वो आगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।